नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पीईटी 2022 की परीक्षा का रिजल्ट आउट हो चुका है। सभी लोगों ने देख लिया है अपना रिजल्ट और सभी लोग यह प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी कोई कॉमन कट ऑफ लगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 1% बच्चे, अगर कोई 1% को देखे तो लगभग 26,000 बच्चे, 26 से 27,000 बच्चे 1% पर हो रहे हैं। इस प्रकार से सभी बच्चे चाह रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ लगे। अब क्या आयोग कॉमन कट ऑफ लगाएगा, क्या कॉमन कट ऑफ हो सकती है, आप जानोगे कॉमन कट ऑफ को लेकर जो विवाद हो जा रहा है उसका अपडेट क्या है। वहीं पर आप देखोगे कि क्या कॉमन कट ऑफ जारी करेगा आयोग, वहीं पर आपको पता चलेगा कि एक कॉमन कट ऑफ क्या हो सकती है, एक सेफ स्कोर क्या हो सकती है, जिससे आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप यह सब अपडेट्स के बारे में जानोगे, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट समय समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहां पर आप देखिएगा, आपको पता है यूपी पीईटी की परीक्षा, लगभग 25 लाख बच्चों का जो स्कोर कार्ड है वो जारी किया गया था, वेबसाइट पर सभी ने डाउनलोड कर लिया। लेकिन स्कोर कार्ड में आपने देखा किसी के तो 20 कम हो गए और किसी के 15 बढ़ गए, किसी के 4 कम हो गए तो किसी के 2 बढ़ गए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो आपका देखने में आया है और कुछ समझ में आया नहीं किसी के कैसे उन्होंने घटा दिए। वहीं पर दोस्तों, एक कॉमन कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है जो आपके मार्क्स हैं, आपने देखा कि आपके जो आपने फॉर्म भरा है उसमें 25 लाख बच्चों का स्कोर कार्ड डाउनलोड हुआ है, और आपने देखा कि जो 99% और 100% के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको भी मालूम है कि लगभग 26 से 27 हजार बच्चे हैं। तो इसलिए आप चाह रहे हो कि आप कॉमन कट ऑफ लगे। अब दोस्तों, कॉमन कट ऑफ, आप 27 हजार बच्चे 1% पर है तो कॉमन कट ऑफ क्या हो सकती है। बच्चा भी सही कह रहा है, कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए जिससे उसको पता लग सके कि अगर वो एलिजिबल है तो उस अपने एग्जाम की तैयारी करे, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करे। तो आयोग को तो कॉमन कट ऑफ लगानी चाहिए, यह तो उनकी मांग सही है और उनको करनी भी चाहिए, है उनका राइट है, यह आपके हक की लड़ाई है। तो दोस्तों, आयोग को कट ऑफ को लेकर जो आपका विवाद हो रहा है, जो कॉमन कट ऑफ को लेकर, वह लागू होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आयोग कॉमन कट ऑफ जारी करेगा। तो दोस्तों देखिए, यहां पर कॉमन कट ऑफ ऐसे ही कहने से नहीं हो जाएगी, आपको अपने हक के लिए सामने आना होगा, सभी को जुड़ना होगा, चाहे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, चाहे किसी और तरीके से, आयोग से अपनी मांग रखिए जिससे आपकी जो कॉमन कट ऑफ है वो आपकी जारी हो सके। क्योंकि 2021 पीटी परीक्षा के कारण आपकी कोई भी कॉमन कट ऑफ जारी नहीं हुई थी, तो ऐसा 2022 की पीटी परीक्षा में ना हो, इसलिए सबको एकत्रित कीजिए और कोई डिसीजन ले लिए। जो भी आपका निर्णय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहीं पर मित्रों, कॉमन कट ऑफ क्या हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पर अगर 65 नंबर से ऊपर हैं, अगर आप 65 के आंकड़े यानी कि 65 वाला आंकड़ा अगर आप टच कर रहे हैं, अगर आप 65 आंकड़ा अगर यहां पर टच कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप एलिजिबल हो उन भर्तियों के लिए जिनको आप सोच कर बैठे हैं, क्योंकि 65 नंबर एक अच्छा स्कोर है। लेकिन कॉमन कट ऑफ जारी होगी तब, इसलिए चांसेस पूरे पूरे हैं, कॉमन कट ऑफ जारी होनी भी चाहिए, आपको अपना हक मिलना चाहिए, वरना पीटी एग्जाम कराने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आयोग आपकी कॉमन कट ऑफ जारी करेगा। आप क्या सोचते हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने परसेंटाइल मार्क्स हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप अपनी मनचाही भर्ती के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। और दोस्तों, आगे भी कोई अपडेट आएगा यूपी पीईटी से रिलेटेड, आपको एकेजीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से सबसे पहले पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आयोग को कॉमन कट ऑफ जारी करनी चाहिए, वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखो होता है क्या, जो भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी आपको जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।